बेटे का एक्सीडेंट हुआ इनका तकरीबन सुबह 3:30 बजे रसायनी के पास। बहुत गंभीर चोट इनको शायद सर में आई है, मैंने इनको देखा है। ऐसे लगता है इनकी मौत शायद वहीं पे हो गई। हमारे अस्पताल में इनको लाया था सुबह 6:20 पर। आते ही इनको पूरा चेक किया गया था, जिसमें ना इनका पल्स था ना इनका बीपी था, और आँख में चेक करते हैं इनका प्यूपल डायलेटेड है, फिक्स्ड है, तो इनको मृत घोषित कर दिया गया था। तभी के तभी इनको मृत घोषित कर दिया। इनके साथ दो और लोग हैं, एक ड्राइवर था गाड़ी का और एक पुलिसमैन जो इनके साथ कंपनी कर रहे थे। जो साथ में पुलिसमैन थे उनको भी गंभीर चोटें आई हैं, उनको लिवर में चोट है, उनको छाती में चोट है, उनको सर में चोट है। अभी हमारा पूरा EMS डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए पूरा लगा हुआ है। और इनका जो ड्राइवर है उसकी हालत ठीक ठाक है अभी तक, जो अभी तक। और कोई सवाल किसी को पूछना है तो पूछे। इस तरह से उन्होंने कहा है कि जो उनको हेल्प है जो टाइम पे नहीं मिली उसके वजह से उनकी जो डेथ हुई है, इसके बारे में ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ऑन द स्पॉट कौन वहाँ पे था कौन नहीं था, ये अभी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारे पास उनको 6:20 पे हमारे हॉस्पिटल पे लाया गया था। सुबह 3:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 6:20 बजे उनको लाया गया। करीब देखा जाए तो 20 किलोमीटर का अंतर यहाँ से 5:55 is the accident time. I'm told by the 5:55 is the accident time. Please correct me on your news channels. 5:55 is the accident time. I repeat. Yes. जो चोटें आई थी वो किस तरह से उनके दिमाग? देखिए, मैंने उनको खुद देखा है। उनके सर के ऊपर बहुत गंभीर चोट है, सर के पीछे गंभीर चोट है, जिसको ऑक्सीपुट बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसी चोट लगने से उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम इंजरी, वो अचानक वही मौत हो जाती है ब्रेन स्टेम इंजरी के कारण। तो ऐसे लगता है, लेकिन फाइनल उनका क्या कैसे हुआ वो जब उनका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से पता चलेगा कि इनका फाइनली क्या एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ था। एक्सीडेंट पुलिस विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली। मैंने जैसे पहले कहा, उनको सर के पीछे गंभीर चोट है, उनका ना पल्स था ना बीपी था, उनका जो प्यूपल था दे वर नॉट रिएक्टिंग। और उसके साथ हम एक ECG करते हैं देखने के लिए कि हार्ट बीट है कि नहीं है। ECG किया, उसमें फ्लैट लाइन है। तो जब ये चार चीज़ें हो जाती हैं, पल्स नहीं होती है, बीपी नहीं होता है, प्यूपल डायलेटेड फिक्स होते हैं, हार्ट पे ECG पे फ्लैट लाइन होती है, तो उनको मैंने बोला मृत घोषित कर दिया था। जो ड्यूटी डॉक्टर उस समय थे उन्होंने डिक्लेयर किया, उनका नाम पता करना पड़ेगा मेरे को, मैंने पूछा नहीं है उनको। जो ड्यूटी पे डॉक्टर, जो कैजुअल्टी मेडिकल अफसर थे वहाँ पे, उन्होंने घोषित किया।